स्मॉल पॉक्स यानी चीचक। ये बीमारी एक मखसूस वायरस की वजह से होती है। ये बीमारी इंसानों के अलावा जानवरों को भी हो सकती है और ये मोहलक बीमारियों के ज़मरे में शामिल है। वायरस नहायत ही बारीक जरासीम होते हैं जो कि आम खुर्दबीन से नज़र नहीं आते बल्कि फ़िल्टर से भी गुजर जाते हैं। बीमारी का एक हमला सारी उम्र के लिए जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा कर देता है, यानी फिर बीमारी का हमला दूसरी दफ़ा होते नहीं देखा गया। ये एक नहायत ख़तरनाक बीमारी है जो कि वबाई शक्ल में फैल सकती है। ये न सिर्फ मोहलिक साबित होती है बल्कि अगर मरीज़ बच जाए तो इसका चेहरा नहायत बदनुमा और बाज़ औकात आँखें अंधी हो जाती हैं। खुशकिस्मती से इस बीमारी की रोकथाम नहायत आसान और मयसर है। इसके लिए मुदाफियाती टीके अरसा से सारी दुनिया में मुस्तमिल हैं जो कि तकरीबन 5 साल तक के लिए बाखूबी बीमारी की रोकथाम में मदद दे सकते हैं। ये कमज़ोर शुदा जिंदा वायरस के टीके होते हैं। बछड़े का पेट मूंड कर उस पर इसकी लाग लगा दी जाती है। जब छाले उभरते हैं तो उनको छील कर साफ़ करके रगड़ कर और क्लेसरीन मिलाकर टीका बना लिया जाता है और बर्फ़ में रखा जाता है। पहली दफ़ा अगर ये टीका लगा दिया जाए तो खूब फूलता है, पहले सुर्खी होती है, फिर छाला बनता है और पी पड़ जाती है। इसके बाद खरंड बन जाते हैं जो कि तकरीबन 21वें दिन उतर जाते हैं। पहली दफ़ा 3 टीके लगाए जाते हैं, इसके बाद 2 टीके काफ़ी होते हैं। इन टीकों को वैक्सीनेशन कहते हैं। इस बीमारी में बुखार चढ़ता है, जिस्म पर दाने निकलते हैं जो कि फिंसियों की शक्ल में होते हैं। ये दाने हर जगह निकलते हैं, सारे जिस्म पर निकलते हैं, आँखों में निकलते हैं, मुंह में निकलते हैं और खूब निकलते हैं। सारा जिस्म भर जाता है, मरीज़ की हालत जल्द ही ख़राब हो जाती है, निकाहत बढ़ जाती है, खाना पीना छूट जाता है, आँखें बंद हो जाती हैं, मरीज़ की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। अगर मरीज़ 3 हफ्ते निकाल जाए तो बच जाता है, लेकिन फिर भी चेहरा बदनुमा, आंखें अंधी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट, चीचक के मरीज़ को पैरासीटामोल 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली शाम को दे सकते हैं। को ट्राइमाक्साजूल 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को दे सकते हैं। 10 दिन तक ये इलाज जारी रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।